कोरोना काल के चलते इस साल हजारों शादियां टल गईं। अगर कुछ शादियां की जा रही हैं तो मंदिरों में केवल चंद बारातियों के साथ, पर हमीरपुर में इससे उलट नजारा देखने को मिला है। कोरोना काल में भी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ शादी की गई। दरअसल एक पिता ने अपनी बेटी का दिल रखने के लिए गुड्डे गुड़िया की शादी कराई, जिसमें बैंड बाजा तो था ही, बाराती में बैंड बाजे की धुन पर थिरकते लोग नजर आ रहे थे। कोरोना संकट काल का असर शादी ब्याह में देखने को मिल रहा है। कन्नौज में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक युवती अपने मंगेतर से शादी करने के लिए पैदल ही 80 किलोमीटर चली आई। दरअसल लॉकडाउन की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी, लिहाजा लड़की ने तय किया कि वो अकेले ही पैदल 80 किलोमीटर अपने होने वाले पति के लिए चलेगी। खैर, लड़की घर पहुंची तो लड़के वालों ने विधि विधान से मंदिर में दोनों की शादी करा दी। लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी है। इस बीच जो नेपाल में फंसे हैं उन्हें लाया जा रहा है। जो नेपाल मूल के प्रवासी भारत में हैं उन्हें भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हर रोज गोरखपुर नेपाल बॉर्डर से 1500 से 2500 लोगों को भेजना बुलाना हो रहा है। गोरखपुर के डीजी जोन दावा शेरपा ने कहा कि भारत और नेपाल के अधिकारी एक दूसरे के संपर्क में हैं और फंसे हुए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करके भेजा जा रहा है। कानपुर में श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया। ये ट्रेन सूरत से पटना जा रही थी। इस बीच कानपुर में रेलवे डॉक्टर की टीम को सूचना मिली तो स्टेशन पर महिला का इलाज किया, यहां से उसे अस्पताल भेज दिया गया। दोनों की तबीयत अभी ठीक है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जहां सरकारें लोगों को जागरूक करने में लगी हैं, तो वहीं सुल्तानपुर के दो भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए मिसाल बना रहे हैं। मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले दोनों भाइयों ने अपने आप को घर से 600 मीटर दूर खेत में क्वारंटीन किया है। इसके लिए उन्होंने पेड़ों पर मचान बनाया है। अब ये लोग इसी मचान पर अपना वक्त बिता रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों भाई बीते 12 मई को दिल्ली से वापस अपने घर लौटे थे। रुद्रप्रयाग में 3 लोगों की रिपोर्ट आने से जिले में हड़कंप मच गया। ट्रेवल हिस्ट्री खंगालने में जुटा स्वास्थ्य अमला, रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना जांच में 160 रिपोर्ट नेगेटिव आई तो वहीं 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। कोरोना वायरस से अब तक अछूते रुद्रप्रयाग जनपद में भी 3 लोगों को सैंपल पॉजिटिव आए। ये लोग दिल्ली से अपने घर आए हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन दिनों काफी मुश्किलों से जूझ रहा है। कॉर्बेट पार्क पर शिकारियों की नजर काफी पहले से है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन के चलते शिकारी कॉर्बेट नेशनल पार्क में घुसने की फिराक में है। कॉर्बेट पार्क में हाई अलर्ट जारी है। कॉर्बेट पार्क में सभी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हापुड़ में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सिंभावली इलाके में NH9 पर हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। दरअसल इस गाड़ी में पुलिस प्रेमी जोड़े को बरामद कर लखीमपुर खीरी लौट रही थी। इस बीच सिंभावली शुगर मिल के सामने गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दिया। अब पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है। बहराइच में पुलिस ने गैंगस्टर और गो तस्कर को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। 25,000 की नामी को पकड़ने के लिए मुठभेड़ हुई, जिसमें न सिर्फ बदमाश बल्कि चौकी इंचार्ज और सिपाही घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 25,000 का इनामी और बदमाश आरिफ पर गो तस्करी, गो हत्या, रेप, लूट सहित 10 से ज्यादा केस दर्ज है। नानापारा का रहने वाला ये बदमाश पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। कोरोना के खौफ के बीच संगम नगरी प्रयागराज में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। यहां तापमान 42 डिग्री का आंकड़ा पार कर गया। भीषण गर्मी की वजह से रात में भी लोगों को चैन नहीं मिल रहा है। ऐसे में तमाम लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। तपन से बचने के लिए लोग केवल जरूरी कामों से ही बाहर निकल रहे हैं।